close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो कैसे हैं आप लोग? कॉपी हो गया. वेल तो गाइस, आज का जो दिन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि लॉकडाउन जो है खुल चुका है. और लॉकडाउन खुलने के बाद ही हम लोग सबसे पहले जो है सैलून पे जाने वाले हैं. सैलून खुले हैं नहीं खुले ये शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुना है कि सैलून खुल गए हैं. बाल बहुत ही बड़े हो रहे हैं, कटवाने का रीज़न है वो बाद में तुम्हें बताऊँगा, लेकिन शायद कुछ बाल जो हैं आज हम चॉप करवाने जा रहे हैं इंदिरापुरम की तरफ. देखते हैं कौन से सैलून खुले हैं, कौन से नहीं खुले, और किसके साथ जाने वाले हैं मिलवाता हूँ आपको. तो फिलहाल घर से जो है निकलेंगे और सीधा हिंडन विहार होते हुए हम लोग सैलून की तरफ बढ़ेंगे, इंदिरापुरम की तरफ बढ़ेंगे. देखते हैं कैसी कैसी कटिंग होने वाली है, कौन सी कटिंग कराए वहीं जाके देखते हैं. जल्द हम निकलने वाले हैं. फिलहाल वेटिंग 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 वेटिंग. आई डूड टू हॉट. जल गए भाई, जल गए. वेल गाइस, तो ऑलवेज वेयर अ मास्क जब भी आप कहीं भी निकलें, क्योंकि स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है. और यहाँ राजीव भाई थोड़े तरबूजा ले रहे हैं, किसके लिए पता नहीं. जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मैं किसके साथ जाने वाला हूँ, मिल तो आपसे लिए हैं. वैसे उसका नाम है राजवीर सिसोदिया. वेल आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान लेना हो ना, ज्ञान अल्टीमेट वाला, तो इनका एक चैनल है. वैसे बहुत लोग इनको जानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो मेरे कुछ लोग नहीं जानते वो है राजवीर फिटनेस सीरीज के नाम से इनका एक चैनल है. बहुत ही अल्टीमेट ज्ञान देते हैं. जिम जाना हो, बॉडी बनानी हो, टिप्स लेनी हो, तो इनको फॉलो करें. हर तरह का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान. कोई फालतू बोले उसको कैसे पेलना है इनको फॉलो करें. तो दो चैनल, राजवीर ऑल इन वन एंड राजवीर फिटनेस सीरीज. तो अभी हम जा रहे थे तो मैंने देखा यार तरबूजे वरबूजे लेने उतर के बीच में, वो सब क्या था? अरे वो मम्मी का फास्ट था ना आज. मम्मी का फास्ट था तो मम्मी का फोन आया, कहीं दूर नहीं गया तो खरबूजे खरीद के मुझे भेजा. और क्योंकि हम लेट हो रहे थे बाल कटाने के लिए, तो मैंने नीचे से आवाज मारी, मम्मी बाहर आ गई. तो मम्मी ने दुपट्टा दिया, जैसे फिल्मों में देते हैं दुपट्टा, दिया मैंने उसको मार के ऊपर भेज दी. तो ये थी स्टोरी. तो वैसे कटिंग कराने जा रहे हैं मेरे, वैसे बाल हेयर कट जो है करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ मैं कटवा रहा हूँ. स्ट्रेटेजी अपनाई गई है व्हाट्सएप पर जो है मेरी स्पाइक कट को बहुत ही डैशिंग बोला गया, जो आज तक कभी नहीं बोला गया. अपनी पर्सनल फोटोज को भेज के बोला गया है कि यार लोग ना इन फोटोज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो स्पाइक कट करवा लेना चाहिए. यही मुझे कहानी थी, कराना चाहिए. और यार गर्मी भी बहुत हो रही है, बहुत इरिटेट कर रहे हैं बाल. कहानी तो यही थी, लेकिन गर्मी भी बहुत है और खुद भी तो इरिटेट हो रखे हैं यार. बालों में क्लिप लगाओ, रोज शैम्पू करो, इतना ध्यान रखो. अच्छा ओके, तो राजीव और मेरी कहानी जो है बहुत पुरानी है. पहली बार हम एक साथ एक वीडियो में आ रहे हैं हमारे थ्रू. तो शायद बहुत कितने साल से जानते हैं हम एक दूसरे यार, बचपन से पढ़ते हैं, 15 साल तकरीबन हो गए. राजीव को एक ऐसी वियर्ड हरकत जो मेरी तुम्हें याद हो कॉलेज, मुझे याद है. हमारे पास पैसे कम यार, 1 लाख बता सकता हूँ. हमारे पास पैसे कम होते थे, हमें घर से मिलते थे 3-4 रुपए पॉकेट मनी उस टाइम पे. तो हमारे स्कूल के बाहर ना एक जलजीरा वाला आता था जलजीरा देने के लिए. तो ये साला इतना हरामी था, जब स्कूल की छुट्टी होती थी लंच में हमारे पैसे खर्च कराता था और अपने पैसे बचाता था छुट्टी के लिए, कि मेरे पैसे से छुट्टी में खाएंगे जलजीरा पियेंगे. और जब छुट्टी का टाइम होता था तो इसके बहाने ऐसे ऐसे होते थे, भाई मुझे ना टट्टी आ रही है और मैं घर जा रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा.
और ये भाग जाता था साइकिल लेके, और हम तीन चार दोस्त पैदल पैदल आ रहे होते थे, तो जब हम दूर से देखते थे तो ये हराम ज्यादा जलजीरा पी रहा होता था वहाँ। मतलब कि इसके पैसे हम पे खर्च ना हो और ये अकेला जलजीरा या गन्ने का जूस पी सके, इसलिए पहले भागता था और वहाँ जाके हमें खड़ा कई बार दिखाई देता था। मुझे बहुत सच बता दिया, आज का भी यही टाइम है, तो आज भी यही सीन है, आज भी यही है। कल वैसे मैं एक राजीव की आपको बात बताने वाला हूँ, तो बहुत किस्से हैं इसके, बहुत किस्से एंटरटेनिंग वाले, लेकिन एक किस्सा जो मुझे हमेशा याद रहता है। तो हुआ क्या था, बहुत साल पहले इसका एक जन्मदिन था, तो मैंने एक सरप्राइज रखा था छोटा सा कि मैं केक लेके आऊंगा। तो मैं उसके घर के बाहर आया, मैंने कहा राजीव हाँ भाई, मैंने कहा बाहर आ जा, आ रहा हूँ भाई। बहुत रोता हुआ आया, बहुत रोता हुआ आया। बर्थडे मोस्टली निकल चुका था, 7-8 बज रहे थे, मैंने कहा लेकिन बचपन का दोस्त है, सरप्राइज तो एक छोटा सा बनता है। उस टाइम पे केक का इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि कोई सरप्राइज दे केक से तो बहुत खुश हो जाते थे आज के टाइम पे, हालांकि बहुत बड़ी बात है। भाई बहुत रो के आया, बहुत रोता हुआ, मैंने कहा भाई क्या हो गया, भाई पापा ने बहुत मारा बर्थडे वाले। भाई मारा क्यों, तो आज तक समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताना क्या मारा क्यों था पापा ने उस दिन। अरे वो चिल्ड्रंस डे वाले दिन बर्थडे होता है मेरा, तो पापा ने बोला कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एज यू ऑल नो माय फादर इज अ टीचर, तो पापा ने बोला मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो 14 नवंबर का दिन है, बच्चों को केक खिलाना है, तो मैं उनके ट्यूशन के बच्चों को केक खिलाने की जगह मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया था। तो जब मैं वहां से आया तो सारे बैच जो थे पढ़ रहे थे जो बच्चे, वो अपने अपने घर जा चुके थे, तो इस बात पे पापा गुस्सा होकर बैठे थे कि मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ बच्चों के साथ और ये यहाँ आए ही नहीं। तो जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरे ऊपर 2-4 बेल्टे निशान मैंने देखे थे अलग ही। एंड गाइस यू वोंट बिलीव, उस दिन हम इतने छोटे थे और मैं लिटरली इसे गर्लफ्रेंड की तरह पार्क में ले गया पीछे, याद है पार्क में ले गया, पीछे वाले पार्क में ले गया और मैंने इसे शांत कराया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, और लिटरली ये इतना रो रहा था उस टाइम पे। फिर हम एक शॉप पर गए, मैं रो रहा था इस साले को हंसी आ रही है कैसे मेंटेन करता वही बात थी। और फिर हम गए, लेकिन हमने स्कूटी की डिग्गी खोली, भाई केक रखा मेरे घर के पास, फिर हमने बहुत सेलिब्रेट करा। फोटो मैं इस तरफ जो है शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास आज भी वो फोटो है। तो फिलहाल चलते हैं हेयर कटिंग कराने, बहुत यादें ताजा हो चुकी हैं मुझे ऐसा लग रहा है। कटिंग इज डन और शायद लुक तो ठीक लग रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी आप बता दीजिए कैसा लुक लग रहा है। और कटिंग करानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। फिलहाल राजीव जो है ATM में पैसे निकाल रहा है वहाँ पे, और हम लोग जो है गाड़ी में बैठे हैं फिलहाल। और बस यही कहना चाहूँगा, गर्मी बहुत है, आपके भी बाल अगर बड़े हैं तो अच्छे नहीं लगे, तो आप चॉप करा दीजिए, इंदिरापुरम में शॉप है, सब कुछ ओपन।